करते हैं। तो अच्छा, हमने लास्ट अभी अभी यहाँ तक पढ़ाया था कि हमने आपको इलेक्ट्रॉन एन साइड के इलेक्ट्रॉन और पी साइड के होल की तो कहानी बताई, बट हमने दूसरी कहानी बच्ची हुई कहानी नहीं बताई। बची हुई कहानी किसकी? बची हुई कहानी इसकी कि एन साइड में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, एन साइड में तो होल भी रहते हैं, और पी साइड में होल्स भी होते हैं बट पी साइड में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इनकी कहानी का क्या होगा, इनकी कहानी का क्या होगा? इनको हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी। ठीक है, इनकी कहानी क्या होगी? मेजोरिटी की तो कहानी हमने आपको बता दी, माइनॉरिटी की कहानी नहीं बताई। माइनॉरिटी की कहानी अब चालू होती है, पहले मेजोरिटी की कहानी होती है फिर माइनॉरिटी की होती है। देखो क्या कहानी होती है, पहले मेजोरिटी की कहानी घट गई, डिफ्यूजन विफ्यूजन हो गया अच्छा खासा, अब माइनॉरिटी की कहानी चालू होती है। और माइनॉरिटी की कहानी ऐसे चालू होती है कि ये यहाँ पर अब हो गया नेगेटिव और यहाँ हो गया पॉजिटिव। हाँ अब पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन है, पी साइड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई पी साइड का मतलब ऐसा नहीं कि होल ही हो, बच्चे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यहाँ पर। पी साइड के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव बीच में पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कर रहे हैं ना, ये जो इमोबाइल चार्ज कर रहे हैं, बीच का पॉजिटिव चार्ज है, वो पी साइड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले स्टार्टिंग में देखो तो उल्टी कहानी थी। पहले क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो था वो एन टू पी जा रहा था, एन टू पी जा रहा था, एन से पी इलेक्ट्रॉन जाया कर रहे थे, बट वो नहीं जा पाए, स्लो हो गए वो लोग। अब उल्टी गंगा बह गई, कहानी रिवर्स हो गई। पी से एन इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पी टू एन क्यों जा रहा है? क्योंकि जो पॉजिटिव आयन्स हैं, क्योंकि जो आयन्स हैं बीच में पॉजिटिव आयन, वो खींच रहे इलेक्ट्रॉन को। समझे या नहीं समझे बच्चे? बोलो यस बच्चा। सर, पहले जो था वो मेजोरिटी, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मोशन था, मेजोरिटी। अब मेजोरिटी के अलावा जो चार्ज कैरियर का मोशन होना चालू होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन होगा, माइनॉरिटी। क्योंकि पी साइड में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, होल भी होते हैं, बट फर्क इतना सा होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसलिए माइनॉरिटी कहते हैं। अब क्या होगा, पी का जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा एन की साइड जाने लग जाएगा, और एन का जो होल है वो उल्टा रिवर्स होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है होल उसी जाता है। यार मच्छर हो यार। हाँ इधर। तो अब क्या होगा, अब उल्टी कहानी होगी कि पी से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टू एन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होल जो है एन टू पी जा रहा है, जो कि पहला उल्टा हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो इलेक्ट्रॉन था, देखो पहले मैंने दिखा रखा, पहले इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो एन टू पी हुआ करता था। अब जो इलेक्ट्रॉन का मोशन ये चालू हुआ, ये जो चार्ज कैरियर का मोशन चालू हुआ, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है जो बीच में आयंस है उसकी फील्ड है, मतलब वो उसका उसकी वजह से जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये इसकी वजह से ये होता है, इसने ऑर्डर दी। आवाज आ रही है? हेलो सर, नहीं आ रही थी यस अभी, सर, और सन पहले नहीं आ रही अभी बीच में। भी ओके, कट कट के आ रही थी सर। अब आ रही है? ठीक यस सर, है ठीक, ऑडियो काम कर रहा है अच्छे, सुन आवाज आ रही है क्लियर? हेलो यस, ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर, चलो अच्छे। तो बता देना अच्छे, मैसेज वैसेज से कैसे भी करके, हिंट से स्क्रीन पे लिख के बता देना, यहाँ तो अच्छे टैलेंटेड हैं बहुत सारे हमारे। ठीक है, तो देखो अच्छे, पहले मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मोशन हो रहा था, उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसमें उसमें उल्टा हो रहा है, वहां जो इलेक्ट्रॉन था एन टू पी जा रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन पी टू एन जा रहा है। यहाँ वहां जो करंट फ्लो कर रहा था वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से था, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से नहीं, वो जो आयन्स है, आयन्स की वजह से फील्ड डेवलप हो रही है, फील्ड फोर्स डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो यहाँ कहानी उल्टी है, वहां से आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आ रही है? तो फिर से पूरा बताते हैं। तो देखो चलने क्या समझाया, एक बार देख लो फिर से। तो पहली कहानी ये थी कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, और यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दूसरी कहानी हुआ ये कि एन साइड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में हैं, संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की,
और होल भी रहते हैं बट होल माइनॉरिटी में, माइनर है माइनॉरिटी में, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो पी साइड में भी दोनों की संख्या है, पी साइड में होल भी है बट होल मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी में है। आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर, ठीक है। स्टार्टिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन होता है, मतलब मेजॉरिटी मतलब कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है एन से पी जाता है और यहाँ का जो होल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा होल की मूवमेंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो होल किधर होगा, होल का मोशन किधर होगा, यहाँ से यहाँ होल्स का मोशन होगा, समझे। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, किसकी वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टू पी जाते हैं। क्यों एन टू पी ही क्यों जाते हैं? एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और पी में कम होती है। आप कहीं भी मेट्रो में चढ़ते हो, खाली जगह से, भरी हुई जगह से खाली जगह पे मूव करोगे, और होल जो होते हैं वो पी टू एन जाते हैं। आप मेनली इलेक्ट्रॉन का देखो, होल का उसका उल्टा ही होगा बस। जस्ट दूसरा, इसमें जो चार्ज कैरियर का मोशन होता है उसके से जो करंट होता है उसका नाम होता है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ये जो करंट होता है, डिफ्यूजन करंट जो होता है, ये मेनली डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू, इसमें ये मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, समझे बच्चों? यस सर, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। अब आगे की कहानी आते हैं। आगे की कहानी क्या है, ये आगे की कहानी है बच्चे, ये कि इसके बाद ये कहानी तो घट गई, बट कुछ देर बाद जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन एन साइड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो एन साइड में आयंस रह जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये क्या डेवलप हो गया, डेप्लीशन रीजन। समझ में आया बच्चों? यस सर। डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन लेयर। अब ये जो मूवमेंट है, ये जो हो रही थी पहले, इसमें क्या आने लग जाती है, प्रॉब्लम, क्या आने लग जाती है, प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि जो बीच वाले आयंस हैं वो नहीं आने देते। अब क्या होता है, अब उल्टी कहानी होती है। उल्टी कहानी क्या होती है, उल्टी कहानी ये होती है कि पी साइड में, हमने आपको बताया कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन भी हैं और होल भी हैं, पी साइड के जो होल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इस पॉजिटिव की तरफ, ये जो पॉजिटिव आयन है ना बीच में, जो आयन बन गया इसकी तरफ खींचने लग जाता है। समझ रहे हो बच्चे, ये जो आयन है ये उल्टा है। अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन की वजह से पी साइड का जो इलेक्ट्रॉन है, पी साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पी से एन की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और होल क्या होगा, एन टू पी जाएगा। होल के बारे में ऐसे डिस्कस ही मत करो, होल तो उल्टा ही हुआ, जस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करो। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा, ये अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, फील्ड की वजह से हो रहा है, फील्ड मतलब खींच रहा है ना, अट्रैक्शन कर रहा है, फील्ड है उसकी, ठीक है। सेकंड, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नहीं, ये होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, समझो अच्छे। yes, ये कहानी होती है। तो स्टार्टिंग में डिफ्यूजन होता है, बाद में डिफ्यूजन कम हो जाता है, जैसे मान लो पहले इंडिया से 1980s में इंडिया से बहुत सारे लोग अमेरिका में जाके, बड़ी बड़ी फॉरेन की कंट्री में जाके बसा करते थे, अब कम हो गया, स्लो हो गया है, अब उनको पीआर नहीं मिलता, परमानेंट रेजिडेंटशिप नहीं मिलती है। ओम बच्चे आप छेड़ रहे हो बच्चे, गारंटी है, चेक कर लिया मैंने, इधर देखो, चेक कर रहा नहीं है सर, वो मैंने भेजा था अभी, ठीक है। तो अब हाँ, तो पहले आसानी से जा सकते थे, अब नहीं जा सकते, तो सेम ऐसे ही है कि पहले एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन इजिली जा पा रहे थे, बाद में नहीं जा पा रहे। पहले डिफ्यूजन करंट काफी अच्छा खासा होता है, बाद में ड्रिफ्ट करंट नहीं होता है बिल्कुल भी, बाद में ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता है।
कुछ देर बाद क्या होता है बच्चों, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम पहले डिफ्यूजन ज्यादा होता है, डिफ्यूजन ही होता है मेनली, ड्रिफ्ट तो होता ही नहीं है, बाद में डिफ्यूजन कम होता जाता है धीरे धीरे, ड्रिफ्ट बढ़ता जाता है, कुछ देर बाद दोनों बराबर हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आई डिफ्यूजन। तो कुछ देर बाद स्टेबल हो जाता है, कुछ देर बाद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबल मतलब क्या हो रहा होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है। हां, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आता है, बताते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, अच्छा यहां पे ये समझा देते हैं, जैसे पी है और ये एन है, तो अब क्या है कि एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहां से यहां, तो पी साइड से भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक जगह जा ही रहा है और आ रहा है, मतलब आना जाना चलता रहता है, आ भी रहा है जा भी रहा है, तो ये जो है कंटिन्यूसली ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है, और कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, और ओवरऑल सर्किट का जो करंट होता है, करंट जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि बैटरी तो है नहीं ना, बिना बैटरी के करंट कैसे फ्लो कर सकता है, तो सर्किट में दोनों ही मोशन चलते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चलती रहती है बीच बीच में, पी टू एन एन टू पी, बट ओवरऑल बाद में सब नेट करंट जीरो हो जाता है। तो ये अच्छा अजीब सी कहानी है, थोड़ी सी लंबी सी है, काफी टिपिकल सी है, खैर आपको शायद समझ में आ गई हो, बट काफी लंबी सी कहानी है, समझ में आए बच्चों, बोलो भाई। यस सर, समझे, चलो अच्छा देख लेते हैं जल्दी से, इसे खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे, पूरा पढ़ लेते हैं, और क्योंकि लंबी कहानी है तो बस यही आज टॉपिक पढ़ेंगे। देखो अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ड्रिफ्ट। पहला प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूजन होता है, मैंने आपको बता दिया, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है, सारा बता दिया मैंने आपको, पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया, ठीक है, डेप्लीजन लीजन बता दिया, डेप्लीजन लेयर वेयर सब बता दिया, फिर आगे कहानी आती है ड्रिफ्ट की। तो ये बताया कि, ये बता रहा है कि ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और जो आयंस होते हैं वो अट्रैक्शन करने लग जाते हैं, और इसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट पहले स्मॉल होता है, फिर बाद में बढ़ जाता है, और कुछ देर बाद ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाता है, और इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम में नो करंट, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो करंट। तो ये कहानी बच्चे बता रखी है। इसके अलावा एक टर्म बच्चे हम यूज करते हैं इसके अंदर, जिसका नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर ये होता है अच्छे कि जैसे हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें अब मूवमेंट तो चलता ही रहेगा, मूवमेंट इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे, कुछ मोशन यहाँ से यहाँ चलेगा। क्या कर रहे हो बच्चे? हाँ, तो ये पी है और ये एन है, तो अभी ये मोशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, मतलब ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, बट एक्चुअली क्या होगा कि एन साइड से जब इलेक्ट्रॉन पी साइड जाता है तो उसको कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि बीच में जो आयन है, बीच में जो आयन है उसको रोकता है, तो एन साइड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये अगर पी साइड पहुंचना है तो ये मुसीबतों को झेल के आगे पहुंचना पड़ता है, उसको जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एन से पी जाने के लिए, उसका नाम दिया गया पोटेंशियल बैरियर, उसको नाम दिया गया पोटेंशियल बैरियर। जैसे आप लोगों की लाइफ में बच्चों, अभी आपको पता है कि पढ़ाई आजकल आसान नहीं है, लाइफ भी आजकल आसान नहीं है, इंट्रेंस है, कॉम्पिटिशन है, ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉन हो, आप एन साइड पे हो और आपको पी साइड जाना है, मतलब आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको बैरियर पार करना है लाइफ में, और आपको उसके लिए काफी एनर्जी चाहिए आगे, बूस्ट अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ पाओ, तो आपको हाई एनर्जी चाहिए उनसे बचने के लिए, उनसे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को एन से पी पहुंचने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसका नाम दिया जाता है पोटेंशियल बैरियर। समझे बच्चों या नहीं समझे? यस सर। तो ये कहानी होती है। अच्छे बोलो भाई, किसी को डाउट है? नो सर। बोलो भाई बोलो। ड्रिफ्ट बताने, एक बार ड्रिफ्ट बता देने एक बार। ड्रिफ्ट बच्चे क्या होता है, ड्रिफ्ट में क्या होता है कि उल्टा होता है, रिवर्स होता है, कि पी के जो इलेक्ट्रॉन है, पहले एन से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे पी पे, और अब क्या होता है कि पी के जो इलेक्ट्रॉन है पी में, क्योंकि पी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के जो इलेक्ट्रॉन है जब एन की तरफ जाते हैं उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन जाते हैं? क्योंकि बीच में आयन जो है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आयन्स है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। समझे अच्छे? यस सर। ओके। अच्छा, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो अच्छे मैं एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने पढ़ा रखा है पूरी क्लास को, फिर से ऐसी एक वीडियो में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और उस वीडियो को देख लेना यार अच्छे से, उसमें शायद समझाया, बट खैर अभी तो मैंने अच्छे से समझा दिया मुझे लग रहा है, मुझे लगता है आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी टाइम लगा के समझाया है बच्चों। खैर
लाइव क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में बहुत डिफरेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि लाइव क्लासेस में उतना अच्छा सा हो पाता है जैसे फिजिकल में हो पाता है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो अब खत्म करें क्लास। बच्चे फीलिंग सैड, कौन कह रहे हैं बच्चे कौन सैड है, किसको हो रहा है भाई दुख? अरे भाई बताओ दुख किसको हो रहा है, तो बोलेगा नहीं। चलो अच्छे खैर अब क्लास कंप्लीट करते हैं इसी के साथ अपनी, तो चलो अच्छे अटेंडेंस ले लेते हैं, खत्म करते हैं क्लास। त्रिमनदीप सिंह प्रेजेंट, शांत शर्मा प्रेजेंट सर, ओम यस सर, तुषार तुषार सर यस सर, मुक्ताक्षी प्रेजेंट, प्रथम ऋषभ प्रेजेंट, ऋषभ हाँ सर प्रेजेंट, प्रथम प्रथम, अरे अच्छे कांचे वांचे तो नहीं भी रखा, हो गया होगा जान, शादी पे गया ना, कार्ड आया उसको। अच्छा चलो ठीक है अच्छे ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप लोगों से, ओके बच्चों बाय, ओके अच्छा बाय सर, बाय सर।